राधे राधे मेरे भाई बहन, राधे राधे आप सभी को। आइए, आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये मीठा नीम का पेड़ है, जिसे कुछ लोग घरेलू भाषा में कढ़ी के पत्ते भी कहते हैं। तो कढ़ी पत्ते, मीठा नीम एक ही होता है। तो जो मैंने कटिंग से लगाई थी, आपको मैंने दिखाई भी थी, कभी वीडियो बनाई थी, तो अब वो बड़े हो रहे हैं। मैंने बिल्कुल छोटी सी लगाई थी, अब वो बड़ा सा पेड़ सा हो रहा है, जिनमें देखिए कि अब ये बीज लग रहे हैं। फूल हुए, फिर फूलों से फिर बीज हो गए, और ये बीज देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई फल हो। अति सुंदर लग रहा है ये देखने में, आप देखिए, ऐसा लग रहा है कोई छोटा छोटा बेर लग रहा हो ना, कुछ अजीब सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और फिर ये कुछ दिनों के बाद बिल्कुल काले हो जाएंगे, जब भी अच्छा लगता है देखने में। तो ऐसे देखिए, पूरे पेड़ पे लग रहे हैं ये बीज। हवा चल रही है, रात बारिश हुई हमारे यहाँ पे, और देखिए सारे में लग रहे हैं ये, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ऐसा ही आप, अगर आपको कहीं कटिंग मिलता है, आप कटिंग ला के लगा लीजिए, या नर्सरी में आपको अगर कोई पौधा ही मिलता है तो पौधा ला के लगा लीजिए। तो ये है कि आपके घर में लगा रहेगा, आप जैसे कभी कढ़ी वड़ी बनाते हो तो आप उसमें भी डाल सकते हो। घर की चीज़ तो घर जैसी होती है, आप कोई भी काम कर सकते हो, आपको जिस चीज़ की जानकारी है, आप किसी चीज़ में, दवाई में, कोई चीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये रहा मेरे मीठे नीम का पेड़। तो मेरे भाई बहन, कहीं अगर कटिंग मिलता है आप लाइए, ज़रूर लगाइए। ये कुछ लोग कहते हैं बालों में भी इसके पत्ते लगाए जाते हैं, जिससे बाल घने होते हैं, झड़ना कम होता है। तो आपको जैसी जानकारी हो आप उस हिसाब से अपना काम कीजिए। तो मेरे भाई बहन, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे मीठे नीम का पेड़ कैसा लगा आपको, आप कमेंट के ज़रिए हमें बताइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।